ग्लेनमार्क, टेल्मा और ये ग्लूकोनोम। एलईडी बल्ब रिपेयर करने की फैक्ट्री में ऐसा क्या निकला जिसे सुन ड्रग विभाग में अफरा तफरी मच गई, जहां फैक्ट्री में काम कर रहे लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या हुआ जब करोड़ों रुपयों की कहानी कुछ यूं खुल गई। कहते हैं सच्चे लोगों पर उतना ही भरोसा रखो जितना कि दवाइयों पर रखते हो। बेहद थोड़े कड़वे होते हैं मगर आपके लिए फायदेमंद होंगे। लेकिन यूपी के गाजियाबाद में एक बड़े पैमाने की मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री ने इन शब्दों को गलत साबित कर दिया। जी हाँ, जहाँ राजेंद्र और भोपुरा इलाके में ड्रग विभाग की टीम ने भारी मात्रा में नकली दवाइयों की एक फैक्ट्री में बड़ी छापेमारी मारी, जो ना सिर्फ नामी कंपनियों के नाम से फेक मेडिसिन का व्यापार कर रही थी बल्कि लाखों रुपए की कीमत वाली इन नकली दवाइयों का रॉ मटेरियल भी जब्त किया गया है जो कि यहाँ पर बनता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि सारे काले चिट्ठे का भांडा एक एलईडी बल्ब रिपेयर करने वाली फैक्ट्री में किया गया है, जहाँ तकरीबन ड्रग डिपार्टमेंट ने 1,10,00,000 की मेडिसिन जब्त की है। ये एक जॉइंट ऑपरेशन 4 तारीख को एक जॉइंट ऑपरेशन हुआ है। इसमें राजेंद्र नगर इंडस्ट्रियल एरिया में एक व्यक्ति विकास चौहान नामक व्यक्ति जो कि नकली दवाइयों का व्यापार कर रहा था, नकली दवाइयां मैन्युफैक्चर कर रहा था, वहां पे हमें काफ़ी बड़ी कंपनियों की नकली दवाइयां मैन्युफैक्चर होते हुए मिली हैं, जैसे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी लैब, ग्लेनमार्क, ऐसे काफ़ी सारी कंपनीज की नकली दवाइयाँ वो मैन्युफैक्चर कर रहा था। ये लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, पूरी तरीके से खिलवाड़ है, क्योंकि नकली मेडिसिन हैं। इसमें ब्लड प्रेशर की, गैस्ट्राइटिस की दवाइयाँ, शुगर की दवाइयाँ जो कि बिल्कुल डमी हैं, तो इससे पूरा का पूरा स्वास्थ्य पे खिलवाड़ पड़ता है, इससे किसी की जान भी जाती है। 4 मार्च को जब ड्रग विभाग को ये सूचना मिली तो उन्होंने तुरंत एक्शन लेने की सोची। अधिकारियों के मुताबिक ये सारी नकली दवाइयाँ जिन्हें आप और हम स्वास्थ्य लाभ के लिए ले रहे थे वो स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाने का काम कर जानलेवा तक साबित हो सकती थी। इनमें सभी ब्रांडेड दवाइयाँ जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और एंटासिड यहाँ से बनकर बाजारों में बेची जा रही थी। ये ऑपरेशन दिल्ली क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस के साथ मिलकर कामयाब हुआ है। वहीं अब तक फैक्ट्री संचालन विजय चौहान समेत और 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। सबसे बड़ा षड्यंत्र ये था कि पिछले 1 साल से ये ड्रग विभाग और पुलिस की आंखों में धूल झोंक इस नकली दवाई बनाने की फैक्ट्री को संचालित कर रहा था। पुलिस ने गाजियाबाद की इस मेडिसिन फैक्ट्री रेड में दोनों इलाकों से करीब 80,00,000 रुपए की नकली दवाइयों की खेप पकड़ी है। अब मामले में जाँच टीम ने 14 सैंपल जाँच के लिए भेज दिए हैं, तो वहीं ड्रग विभाग की टीम ने साहिबाबाद थाने में नकली दवा बनाने, बेचने और धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम टच।